गाइज मेरे पीछे है जेएलएन स्टेडियम और हम आ गए हैं 4 साल बाद आईएसएल का मैच देखने राउंड ग्लास पंजाब का वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, काफी घूम फिर के हम फाइनली ग्राउंड पे पहुंच गए, तो चलते हैं ग्राउंड की तरफ। गाइज हम जा रहे हैं अपने गेट नंबर 10 की तरफ क्योंकि हमारा ईस्ट स्टैंड है। हमने गाड़ी पार्क करी है गेट नंबर 6 पे क्योंकि किसी अमेजिंग फैन ने हमें पता एक पास दे दिया था यार, और पार्किंग पास मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, बट भगवान कभी और फरिश्ते भेज देता है। तो अभी हम चल रहे हैं गेट नंबर 10 की तरफ और ईस्ट स्टैंड से एंट्री करेंगे। कैसा लग रहा है एक्साइटमेंट? या ब्रो, स्कोर प्रेडिक्ट कर दे यार फिर तब तक। यार स्कोर बोल, प्रेडिक्ट कर दो। हां यार, मैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 3-1। नॉर्थ ईस्ट को जिता रहे तू आज यार? मैं बोल रहा हूं वो जीतेगी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जीतेगी। राउंड ग्लास पंजाब को ही करना, बट तुझे लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट जीतेगी फॉर्म वॉर्म के हिसाब से? हां, वैसे उनका फॉर्म काफी सही है, उन्होंने चेन्नईयन को अभी 3-0 हराया था। मेरी प्रेडिक्शन रहेगी कि आज राउंड ग्लास पंजाब क्योंकि होम पे खेल रही है और हम लोग आए सपोर्ट करें, तो आज राउंड ग्लास पंजाब जीतेगी और 2-1 स्कोर से जीतेगी, 2-1 स्कोर से जीतेगी राउंड ग्लास पंजाब। ये देखो गाइज, ये गेट नंबर 10 वाली एंट्री ये है, तभी यहाँ पे इतनी भीड़ है क्योंकि मेन जो एंट्री है सबको टिकट यहीं की मिली थी यार। सो दिस इज द एंट्री और अभी हमें इस भयंकर सी लाइन में लगना पड़ेगा और वो देखो भीड़, उसमें जाना पड़ेगा यार। आ जाओ भाई, किसको सपोर्ट कर रहे हैं फिर हम? फराज पंजाब को सपोर्ट कर रहे हैं ना। स्कोर बता दो, स्कोर क्या होगा बताओ। फिर भी यार अंदर से आवाज आ रही होगी, जीतेंगे कौन? चलो पंजाब जीत जाएगी ना, पंजाब जीत जाएगी। थैंक यू। मैंने आपकी वीडियो देखी थी इसलिए मैं यहाँ पे मैच देखने। अरे सही, वाह, ये गाइस ये स्टेडियम, अंदर ढोल बज रहे हैं और हम बेवकूफों की तरह मेरी गाड़ी में, एक तो हम वैसे इतनी लेट है और लैपटॉप रखने जा रहे हैं यार, बट ठीक है यार, फॉर द कम्युनिटी। ये फैंस है, देखो आवाज आ रही होगी चिल्लाने चिल्लाने की। गाइस हम गए तो मैच देखने थे बट हमें लगा वॉशरूम भी हो जाना चाहिए, तो एक रीराउट कर रहे हैं यार, हम वॉशरूम ब्रेक ले लिया यार हमने, यार इंपॉर्टेंट स्टफ इन लाइफ यार। गाइस अब लेट हो गया, भाग रहे हैं किक ऑफ के लिए, भाग रहे हैं यार। आगे भाई, आगे ईश खेरा के पास आ गए। सर बिग फैन यार, बिग फैन यार। वन मोर लाइन अचानक से शांति हो गई भाई, बहुत वन मोर लाइन यार। चलो गाइस टिकट चेक करा के वापस मिलते हैं, टिकट चेक करा के। आगे लॉबी में आ गए यार बॉयज। ढूंढ लो जगह। और गाइज ये है मैच, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, वी मिस द किक ऑफ यार। ओके गाइज आ गए हैं मैच देखने राउंड ग्लास पंजाब का। स्कोर बता दो, प्रेडिक्ट कर दो भाई। मेरे साइड से 2-1 पंजाब, नॉर्थ ईस्ट पंजाब ना। यस 2-1 कौन? पंजाब। यस भाई, ये पूरी की पूरे पलटन हमसे मिलने आ गई है और मैच देखने आ गई है। कौन सी एकेडमी आपकी? सेकंड की एकेडमी, गाजियाबाद। और रुको यार, फ्री किक हो रही है, देख लो। गाइस यार मैन डेड यार, कम ऑन, इंजर्ड होगी, लड़ाई हो रही है, इंजर्ड हो गया। तुम किसके फैन हो? ये नॉर्थ ईस्ट, ये पंजाब, वो पंजाब, ये नॉर्थ ईस्ट, ये किसी का भी नहीं है, झूठ बोल रहा है। ये स्पर्स फैन है यार। गाइस ये पूरे इतने बड़े स्टेडियम में एक स्पर्स फैन आया यार। ओ क्विक थ्रोइंग मार दे ये, ओ ओ ओ ओ डिफ्लेक्शन हार गई है, गोल है, कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर, कम ऑन, तुम जा, कम ऑन।
गाइस दिल्ली की गर्मी में 29 मिनट में वाटर ब्रेक हो गया यार। पेनल्टी भाई बताओ मारेगा नहीं मारेगा? मारेगा भाई, मारेगा नॉर्थ ईस्ट। मार देगा बोल रहे हैं। कह रहे मिस करेगा, ये कह रहे मार देगा। सब कह रहे हैं भाई मार देगा। सारे के सारे जो दिख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट फैंस हैं। कॉर्नर फॉर पंजाब, विल दे कम बैक बिफोर हाफ टाइम? भाई ये क्या कॉर्नर लिया है भाई, क्या कॉर्नर लिया है यार ये? गाइस हाफ टाइम पे 1-0 हो गया है। बॉयज क्या लगता है यार फुल टाइम क्या होगा? हाफ टाइम पे 1-0 कम बैक नहीं करेंगे? कम बैक नहीं होगी, एक गोल भी नहीं मारेगी। मेरे को लग रहा है कि राहुल ग्लास कम बैक करेंगे, 2-1 जीत जाएगी यार। 2-0 मारेंगे, गोल तो आएगा। कौन गोल बोल दिया भाई? 2-0 दिमाग कह रहा है, दिल कह रहा है 4-0। ओ यार तो 4-0 दिल कह रहा है 4-0, लेकिन सेकंड हाफ में वापस आते हैं बॉयज, सेकंड हाफ में वापस आते हैं। गाइस यार ईश खेरा का फैन बॉय मूवमेंट आ गया यार। सर बिग फैन, सर बिग फैन, सर तो गाइस हमारे साथ है सेकंड केक एफसी की पूरी टीम, कम ऑन गाइस। और ये है उनके कोच अभिजीत सर, और इनका नाम सेकंड केक इसलिए है क्योंकि एक बहुत मीनिंगफुल रीजन है कि फर्स्ट केक तो सारे बच्चे अपनी मम्मी के वूम में मारते हैं, बट सेकंड केक हमेशा फुटबॉल की होनी चाहिए गाइस। फुटबॉल 1-2-3 थैंक यू सर। सेकंड हाफ शुरू हो गया गाइस, और हमारे वाले एंड पे हम नॉर्थ ईस्ट अटैक कर रही है, तो होपिंग कि अब एक्शन ज्यादा दिखेगा। और मैं तो अभी भी प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि राहुल ग्लास करेगी कम बैक। लेट्स सी यार क्या होता है यार। नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर्स वार्म अप कर रहे हैं यार। सब्स्टिट्यूट सर वार्मिंग अप। रेगुलर टाइम के 6 मिनट बच गए हैं और 1-1 स्कोर चल रहा है, और मोमेंटम थोड़ा अब थोड़ा सा राउंड ग्लास की तरफ है। पर यार ड्रॉ ना हो यार मैच, एक रिजल्ट चाहिए यार, हमें रिजल्ट मांगता है यार, रिजल्ट चाहिए यार बस यार। टच है यार, शूट भाई मार दिया। अरे
6000 लोग आए देखने। हम ये हैं वो 6000 लोग, ये हैं गाइस। लगभग मैच खत्म ही होने वाला है, 1-1 ही चल रहा है, और अंटिल अनलेस कुछ बहुत क्रेजी हो जाए तो दिखाएंगे, क्योंकि फाउल ही हो जा रहे हैं। और आई थिंक बोथ द टीम्स आर सेटलिंग फॉर अ ड्रॉ। राउंड ग्लास में तो अच्छा रिजल्ट है वैसे ड्रॉ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो, और नॉर्थ ईस्ट तो वैसे ही काफ़ी क्रेजी फॉर्म में चल रही है। चेन्नई को भी 3-0 हराया था उन्होंने, बट अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है कुछ कुछ। ओ ओ ओ ओ पॉइंट फॉर ईस्ट टीम, और राउंड ग्लास का पहला पॉइंट आया है इस लीग में, और नॉर्थ ईस्ट के साथ ड्रॉ करना काफी सही रिजल्ट है यार। बट उन्होंने सेकंड हाफ में पूरा फाइट दिया यार, दे वर द डोमिनेटिंग टीम इन द सेकंड हाफ, तो काफी ज्यादा सही था। चार साल बाद हम दिल्ली आए हैं वापस मैच देखने, काफी सही एनवायरमेंट, तुम भी आया करो, मिलते हैं नेक्स्ट। कैसा लगा? बढ़िया, मजे आए, 4 साल बाद ISL दिल्ली में आया है। अब आओगे नवंबर में? आओगे दिसंबर में भी आएंगे, दिसंबर में भी आएंगे। आप आओगे सर? में भी आएंगे सर, आप आओगे नवंबर में सर? बिग फैन सर आएंगे, आप सर आप आओगे सर? आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। ये सैड लग रहा है यार, ये नहीं आएगा यार, ये टॉटनम फैन है ना, ये आएगा, लैपटॉप लेके मत आना यार प्लीज यार। चलो गाइस, हमें तो अभी काफी लंबी जर्नी तय करनी है। गाइस आज के लिए स्टेडियम को बाय कहते हैं, नवंबर में मिलेंगे, और हम चल रहे हैं वापस इन लोगों को लैपटॉप देने। ईशर तू बता यार ऐसे, लैपटॉप फीस तो बता यार इनको। लैपटॉप फीस? हाँ, लैपटॉप रखने की फीस 100 रुपए पर मिनट था, कितना 90 मिनट का 90 मिनट और एक्स्ट्रा टाइम भी तो था, और 15 मिनट का हाफ टाइम, 15 मिनट का हाफ टाइम भाई, और अभी वॉकिंग टाइम भाई। नहीं भाई, वन टाइम पेमेंट होती है। तुम तो शुक्र बनाओ, तुम्हें हमें डाउन पेमेंट ले ली भाई तुमसे। प्री बुकिंग, सब तो प्री बुकिंग, प्री बुकिंग भाई, प्री बुकिंग भाई। अब वो तो यार देखो, तुम्हें यार है ना, चलो 110 दे देना, चल तुम्हें 40 रुपए पर मिनट का डिस्काउंट की तरह कर रहे हैं। अच्छा इतना बोल ही रहे तो फिर 160 ले लेते हैं भाई, फिर दिलदार लोग हैं यार। हाँ, GST ऐड करना बोल रहे हैं। ओह शिट यार, तुम्हारे पास है GST नंबर? तुम डिस्काउंट ले लेना यार भाई, फिर तो यार तो तुम्हें कैश देना पड़ेगा। वी टेक कैश पेमेंट्स यार, हमें डिनर भी देख करना ही है यार। ईशर भूख भी लगी है यार।